नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा सहित देश के मजदूर और कर्मचारी संगठनों ने आज भारत बचाओ दिवस के रूप में मनाया है। 1942 में 8 अगस्त को मुंबई के आजाद मैदान से महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अंग्रेजों भारत छोड़ो का ऐलान किया था और 9 अगस्त से पूरे देश में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ देश की जनता सड़कों पर उतर गई थी। देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन ने इसी ऐतिहासिक दिवस की स्मृति में और उससे प्रेरणा लेते हुए देश के संपदा की हो रही लूट के खिलाफ भारत बचाओ दिवस आयोजित किया है। ट्रेड यूनियनों ने आज यानी 9 अगस्त को शासक वर्ग द्वारा सार्वजनिक उद्यमों के प्रतिष्ठानों समेत अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों को देश विदेशी पूंजीपतियों को सौंपे जाने के खिलाफ विरोध कार्रवाइयां आयोजित कर केंद्र सरकार के राष्ट्र विरोधी हथकंडों पर देशव्यापी विरोध दर्ज कराया है। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव किसान नेता बादल सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि आज एक बार फिर केंद्र सरकार देश में अंग्रेजों को लाने का काम कर रही है। अभी प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे और वहां एक समझौता किए हैं जिसके बाद हिंदुस्तान अमेरिकी सामानों से भर जाएगा। यहां तक कि हमें दाल चावल आटा भी वहीं का लेना पड़ेगा। इसी विरोध को लेकर आज पूरे देश में भारत बचाओ आंदोलन किया जा रहा है। कलाकारी का जलसा और जुलूस कोई साधारण नेता नहीं, ग्राम कमेटी का नेता नहीं, जिला कमेटी का नेता नहीं, राष्ट्रीय स्तर तक के कैबिनेट मंत्री तक कलाकारियों के सम्मान समारोह करते हैं इस देश में। अखिल भारतीय किसान सभा का संयुक्त सचिव हूँ। आज पूरे देश भर में हजारों स्थानों पर संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों का 10 राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों का जो मोर्चा है उसने मिलकर पूरे देश भर में विरोध कार्रवाइयाँ करने का आह्वान किया है। हमारी चिंता ये है कि 9 अगस्त 1942 को भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक टर्निंग पॉइंट था। उस दिन पूरे देश की जनता ने ये नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। बहुत भारी कुर्बानियाँ हुई थी उसके बाद भी और उससे पहले भी। दुर्भाग्य की बात यह कि ये जो 75वीं सालगिरह हमारी आज़ादी की मन रही है, जिसे अमृत महोत्सव कहा जाना चाहिए, जो है भी उस अमृत महोत्सव के दौरान आज हम अगर पिछली ओर विजिट करते तो हम ये पाते हैं कि जिन मांगों को लेकर, जिन मूल्यों को लेकर हमारे पुरखे लड़े थे वो सारे के सारे झुठलाए जा रहे हैं और दोबारा से अंग्रेजों को हमने भगाया था वो अमरीका को वापस लेके आ रहे हैं। मैं केवल एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि अभी अमरीकी संसद में हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण था, हमारे मीडिया ने ये छापा कि 17 बार वहाँ के MPO ने ताली बजाई, 18 बार वो लोग खड़े हुए, लेकिन समझौते क्या हुए? इस तरीके के खतरनाक समझौते वो करके आए हैं जिनकी वजह से अमरीकी माल से ये पूरा देश पट जाने वाला है, हमारे उद्योग धंधे ठप हो जाने वाले हैं और रोजगार का संकट जो पहले से ही है वो भी खराब होने वाला है। वो ऐसे समझौते करके आए हैं कि हमारी खेती में जो माल पैदा होता है वो माल भी अब वहाँ से आएगा, गेहूँ भी आएगा, चावल भी आएगा, दाल भी आएगी, तो किसान भी तबाह होने वाला है, मजदूर भी तबाह होने वाला है और जनता भी तबाह होने वाली है। हम ये मानते हैं कि ये नीतियाँ इसलिए लागू की जा रही हैं क्योंकि हमारी सरकार ने एक फार्मूला पकड़ लिया है और वो फार्मूला ये है कि जनता को लड़ाओ, उनकी एकता को विभाजित करो और उसके बाद कॉरपोरेट कंपनियों के मुनाफे के लिए पूरी की पूरी मार्केट खोल दो। मणिपुर में जो हो रहा है वो हमने देखा है, मेवात में जो हो रहा है वो हम लोगों ने देखा है। तो इसलिए आज सारे श्रमिक और कर्मचारी संगठनों ने ये नारा दिया था कि एकता तोड़ को भारत छोड़ो, कॉरपोरेट के दलालों भारत छोड़ो। उसको लेकर आज लाखों लोग पूरे देश भर में सड़कों पर हैं, धरने दिए जा रहे हैं, राष्ट्रपति जी के नाम संबोधित एक ज्ञापन आज कलेक्टर के जरिए पहुँचाए जा रहे हैं और देश की जनता ये कह रही है कि आप नीतियों को बदलो वरना जनता आपको 2024 में बदल देगी। बादल सरोज, संयुक्त सचिव अखिल भारतीय किसान सभा।